अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का इंग्लिश का चैप्टर टू, लव योर कंट्री, अपने देश को प्यार करो। वार्म अप में है, सम फ्लैग्स ऑफ कंट्रीज आर गिवन हियर, आइडेंटिफाई देम एंड राइट द नेम्स ऑफ द कंट्रीज। यहाँ कुछ फ्लैग्स दिए गए हैं आपको, इनके फ्लैग्स के जो जिस कंट्री की फ्लैग है उन कंट्रीज की यहाँ पर आपको नाम लिखना है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मृणाल, मृणाल लिखा है, देखिए अच्छे से समझिए, मृणाल बच्चे का नाम है। मृणाल वाज स्टडीइंग इन थर्ड स्टैंडर्ड, मृणाल थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ता था। टुडे ड्यूरिंग असेंबली, आज असेंबली के दौरान, इट वाज अनाउंस्ड, ये ऐलान किया गया, दैट इट वाज कंपलसरी कि ये जरूरी है, फॉर एवरी स्टूडेंट हर बच्चे के लिए, टू बी प्रेजेंट कि वो प्रेजेंट रहे, टुमारो कल, एज इट इज अ रेड लेटर डे क्योंकि कल रेड लेटर डे है, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की हिस्ट्री में, इंडिया के इतिहास में। द ओकेजन वॉज 15 अगस्त, तो जो मौका था वो था 15 अगस्त, 15 अगस्त का अवर इंडिपेंडेंस डे जो कि हमारा स्वतंत्रता दिवस है। इन द इवनिंग शाम को, व्हेन मृणाल्स फादर, जब मृणाल के फादर केम बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, उनके ऑफिस से वापस आए, मृणाल टोल्ड हिम अबाउट द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन एट स्कूल, मृणाल ने उन्हें बताया इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के बारे में जो कि स्कूल में होने वाला था। मृणाल्स फादर एक्सप्लेन, मृणाल के फादर ने एक्सप्लेन किया अबाउट All important things, सभी important चीजों के बारे में, which जो his son should know, जो उनके बेटे को जानना चाहिए, like जैसे कि how India struggled, इंडिया ने कैसे struggle किया for its independence, अपनी आजादी के लिए। He also told him, उन्होंने ये भी उसे बताया, various freedom fighters, बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में, stories उनकी कहानियों के बारे में, who sacrificed, जिन्होंने कुर्बानी दी, शहादत दी, देयर लाइव्स, उनकी जिंदगियों की, फॉर अवर फ्रीडम, हमारी आजादी के लिए। ही फर्दर टोल्ड, फिर उन्होंने आगे बताया हिम, उसे, दैट कि इट वाज अ ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है, ऑफ एवरी कंट्रीमैन, हर देशवासी का, टू रिस्पेक्ट कि वो इज्जत करे एंड सर्व, और सेवा करे, खिदमत करे, हिज कंट्री, उसके देश की, विद ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ। मृणाल वॉज वेरी हैप्पी, मृणाल बहुत खुश था, टू लिसन, सुनकर, टू सच ट्रू स्टोरीज, ऐसी सच्ची कहानियां। ही वेंट, वो गया, टू हिज रूम, उसके कमरे में, एंड टुक सम रेस्ट, कुछ आराम किया। आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद, मृणाल आया, टू हिज फादर, उसके फादर के पास, एंड सेड, और कहा, आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट, मैं मनाना चाहता हूँ, द इंडिपेंडेंस, आजादी, ऑफ माई कंट्री, मेरे देश की, टुमारो, कल, पापा, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, मैं कुछ करना चाहता हूँ, रियली, जो हकीकत में, अनाउंस्ड, वर्ड मीनिंग देखिए, अनाउंस यानी होता है डिक्लेयर करना, ऐलान करना, ओकेजन यानी इवेंट यानी मौका, सेलिब्रेशन यानी परफॉर्मेंस टू, और परफॉर्मेंस ऑफ पार्टी एट एन इम्पॉर्टेंट इवेंट यानी खुशी मनाना, सेलिब्रेशन करना। स्ट्रगल यानी होता है मेड ग्रेट एफर्ट, जिहाद करना, जद्दोजहद करना। सर्व यानी होता है वर्क फॉर एजिस्ट यानी सेवा करना, खिदमत करना। समथिंग रियली गुड, मैं कुछ वाकई में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। His father was very happy, उनके उसके फादर बहुत खुश थे, to see, ये देखकर, a feeling of patriotism, देश प्रेम की भावना को देखकर बहुत खुश हुए, in his son, उसके उनके बेटे में। He suggested, उन्होंने मशवरा दिया, his son, उनके बेटे को, that कि he could prepare, कि वो तैयारी कर सकता है, small country flags, छोटे छोटे देश के झंडे बनाकर, and tomorrow, कल, he could distribute, वो बांट सकता है, them, उन्हें, among his classmates, उसके क्लास के दोस्तों में। मृणाल लाइक्ड द आइडिया, मृणाल ने, मृणाल को आइडिया पसंद आ गया, वेरी मच, बहुत ज्यादा, एज ही वॉज टू स्मॉल, क्योंकि वो बहुत छोटा था, टू डू एनीथिंग एल्स, कि वो कुछ और कर सकता, फॉर हिज कंट्री, उसके देश के लिए। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, मृणाल गेव, मृणाल ने दिया, वन फ्लैग, एक झंडा, टू ईच ऑफ हिज क्लासमेट्स, उसके सारे क्लासमेट्स को। एवरीवन वॉज वेरी हैप्पी, हर कोई बहुत खुश था, टू सी हिज एक्ट, उसका काम देखकर। Every student tucked that flag on his shirt's pocket. सारे बच्चों ने वो झंडा अपनी शर्ट के जेब में टक कर लिया, लगा लिया। Their class was looking different. उनकी क्लास अलग दिख रही थी, during assembly, assembly के दौरान, and the Independence Day, और स्वतंत्रता दिवस celebration के दौरान। The principal and the teachers also appreciated him. Principal ने और टीचर ने उसे उसकी सराहना की, उसकी हौसला अफजाई की, for his work and patriotism, उसके ये इस काम के लिए और देश प्रेम के लिए। मृणाल was really feeling proud. मृणाल को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, to be an Indian, कि वो एक भारतीय है, today, आज। When all the students, जब सारे students
केम बैक टू देयर क्लास, अपनी अपनी क्लास में वापस आए। दे लाउडली प्रोनाउंस, तो उन्होंने जोर से ऐलान किया, वंदे मातरम, भारत माता की जय, विद स्मॉल ब्यूटीफुल फ्लैग्स, छोटे छोटे ब्यूटीफुल फ्लैग्स के साथ, इन देयर रेज्ड हैंड, उनके हाथों में उठाकर। हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते क्योंकि ये शिर्क है, एंड भारत माता की जय भी नहीं बोल सकते। द टीचर वॉज फीलिंग ग्रेट टू सी पैट्रियोटिज्म, टीचर भी जो थे बहुत खुश हुए उनके देश प्रेम को देखकर, इन दीज लिटिल चिल्ड्रन, इन छोटे बच्चों में। देश से हमें प्रेम करना चाहिए, हमारे देश के लिए अच्छे अच्छे काम करना चाहिए हमें, लेकिन शिरकिया काम उसमें हमें नहीं करना चाहिए। वर्ड मीनिंग देखिए, पैट्रियटिज्म यानी होता है नेशनलिज्म, यानी अपने देश से मोहब्बत करना, लॉयल्टी टूवर्ड्स नेशन, अपने देश के प्रति ईमानदार रहना। टक्ड यानी होता है स्टक कर लेना, फंसा लेना, जेब में जो उन्होंने झंडे को टक कर लिया था। अप्रिशिएटेड यानी एडमायर्ड, हौसला अफजाई करना। प्राउड यानी कंटेंटेड या हैप्पी, प्राउड यानी वैसे घमंड होता है लेकिन अच्छे माने में भी इस्तेमाल होता है। टाइम टू आंसर में देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर वन है, टेक द करेक्ट ऑप्शन। 15 अगस्त वॉज रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की हिस्ट्री में रेड लेटर डे कहलाता है। मृणाल टोल्ड हिज फादर अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के बारे में मृणाल ने अपने फादर को बताया। थर्ड है, फिर मृणाल्स फादर टोल्ड हिम द स्टोरीज ऑफ, स्टोरी बताई थी मृणाल के फादर ने किन की, फ्रीडम फाइटर्स की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की। फिर है, द ड्यूटी ऑफ एवरी कंट्री मैन इज टू रिस्पेक्ट एंड सर्व हिज कंट्री विद ऑनेस्टी, हर देशवासी की जिम्मेदारी है कि वो अपने जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ अदा करे। फिल इन द बॉक्सेस देखिए, पहला है द ओकेजन वॉज 15 अगस्त आवर इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त को क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है। मृणाल वॉज वेरी हैप्पी टू लिसन टू सच ट्रू स्टोरीज, स्टोरी सुनकर मृणाल बहुत हैप्पी हो गया था। His father was very happy to see feeling of patriotism in his son. उनके बेटे में देश प्रेम की भावना को देखकर बहुत खुश हुए थे उसके फादर। इसके बाद complete the statement with the help of story. Story की help से ये statement आपको complete करना है, तो ये जो है book में सारे sentences लिखे हुए हैं, ये देखकर आपको यहाँ पर complete करना है। Answer the following question में देखिए, what is the red letter day? Red letter day क्या है? 15 अगस्त our independence day is the red letter day. What did Mrinal's father explain his son? Mrinal के father ने explain क्या किया son, उनके son को? Mrinal's father told him about independence, struggle and freedom fighters. Freedom fighter के बारे में और आजादी की लड़ाई के बारे में Mrinal के father ने उसको बताया। What did Mrinal's father suggest him? Mrinal के father ने क्या suggest किया? Mrinal's father suggested him to make small country flags and distribute them. Mrinal के father ने कहा कि छोटे-छोटे flag बनाओ country के और उसे अपने दोस्तों में distribute कर दो among his classmates. What did the students do with the flags? Student ने flag के साथ क्या किया? Every student tucked the flag on his shirt's pocket. हर student ने shirt के pocket में flag लगा लिया। Fun with grammar. Grammar देखते हैं, masculine and feminine gender. Masculine क्या होता है? A noun is said to be masculine if it refers to a male character. जब किसी male character के बारे में बात होती है, नर के बारे में बात होती है, तो फिर उसे हम masculine gender कहते हैं। जैसे man, lion, hero, boy, king, horse, actor, etc. इसका अपोजिट होता है फेमिनाइन जेंडर। अ नाउन इज सेट टू बी इन फेमिनाइन जेंडर इफ इट रेफर्स टू अ फीमेल कैरेक्टर। अगर किसी फीमेल के बारे में बात होती है, औरत के बारे में, लेडी के बारे में, मादा के बारे में, तो फिर उसे हम कहते हैं फेमिनाइन जेंडर। एग्जांपल है वुमेन, लायनेस, हीरोइन, गर्ल, क्वीन, मेयर, एक्ट्रेस, एटसेट्रा। चलिए इसका एग्जांपल समझते हैं। राइट फेमिनाइन नाउन्स ऑफ द फॉलोइंग मैस्कुलाइन नाउन्स। मैस्कुलाइन लिखना है यहाँ पर, एक्टर का क्या हो जाएगा? एक्ट्रेस हो जाएगा। बैचलर, स्पिनस्टर हो जाएगा। बॉय का गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, मैन, वुमेन, एम्परर, एम्प्रेस, फादर, मदर, गॉड, गॉडेस, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, पोएट, पोएटेस। राइट द मैस्कुलाइन नाउन्स ऑफ द फॉलोइंग फेमिनाइन। अब फेमिनाइन दिया हुआ है, इसकी हमें मैस्कुलाइन लिखना है। आंट का हो जाएगा अंकल, प्रिंसेस का प्रिंस हो जाएगा, नीस यानी भतीजा, भतीजी, इसका उल्टा हो जाएगा नेफ्यू, भतीजा। मिस्ट्रेस का हो जाएगा मास्टर्स, मास्टर यानी मालकिन, मालिक। क्वीन, रानी, किंग, राजा। हॉस्टेस, होस्ट, होस्टेस, होस्ट, होस्टेस यानी मेजबान, और ये मेजबान का मेल। डचेस, ड्यूक, मम्मी, डैडी, ब्राइड, ब्राइडग्रूम या ग्रूम भी कहते हैं, और ऑथरेस, ऑथर। चलिए लेट अस स्पेल, स्पेलिंग देखते हैं यहाँ पर कौन सी स्पेलिंग सही है। तो एस टी यू डी वाई आई एन जी वाली स्पेलिंग सही है, और अनाउंस में ए डबल एन ओ यू एन सी, सेलिब्रेशन में सी एल ई बी आर ए टी आई यू एन, और अप्रिशिएट में ए डबल पी आर ई सी आई A T E, appreciate की ये वाली स्पेलिंग सही है। चलिए अगला देखते हैं।
वर्ड पावर में अप्रिशिएटेड में ये देख लीजिए टीईडी करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड फॉलोइंग वर्ड्स स्पेलिंग को करेक्ट करना है अनाउंस में यहाँ पर डबल एन आ जाएगा ए डबल एन ओ यू एन सी ई डी यहाँ पर स्ट्रगल में भी डबल जी आ जाएगा टक्ड में टी यू सी के है जी नहीं है ओकेजन में डबल सी आएगा सर्व में एस ई आएगा अप्रिशिएटेड में ए डबल पी आएगा सेलिब्रेशन में बी सी सी एल ई बी आर ए ये ई जो है यहाँ पर ये एक्स्ट्रा दिया हुआ इसको अलग कर देंगे पैट्रियोटिज्म में पी ए टी आर आई आर के बाद जो ई दिया है ये रॉन्ग है आई आएगा और प्राउड में पी आर ओ यू डी आएगा एड प्रेफिक्स इन और अन टू द वर्ड्स एंड फॉर्म द न्यू वर्ड्स अन और इन लगाकर नए वर्ड बनाना है तो करेक्ट में इन लग जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा अनऑथोराइज्ड अनप्रेसिडेंट इनडिसिप्लिन इनएबिलिटी एंड अनसर्टेन हो जाएगा ये नए वर्ड बन जाएंगे प्रेफिक्स लगकर चलिए वर्ड्स जो है इनको दोहरा लेते हैं फर्स्ट वर्ड है लैम्प इसमें एल जो है एल एज फर्स्ट लेटर एल यहाँ फर्स्ट लेटर है लैम्प लैंड लैंग्वेज लार्ज लास्ट और लॉफ एल एज सेकंड लेटर यहाँ एल सेकंड लेटर में आया है तो ब्लैक ब्लू क्लास क्लियर क्लोज ग्लैड एल एज मिडिल वर्ड बीच में वर्ड आ रहा है एल तो कैसे पढ़ेंगे बिल्ड चिल्ड्रन कोल्ड अर्ली फैमिली गोल्ड और एल एज लास्ट वर्ड जब लास्ट में आएगा तो ऑल एनिमल डॉल फॉल न्यूमरल और स्पेशल कन्वर्सेशन देखिए शाम क्या कह रहा है एक्सक्यूज मी इज देयर अ बैंक नियर हियर क्या यहाँ पर कोई बैंक है आसपास सोमी कहती है यस देयर इज अ बैंक ऑन द कॉर्नर हाँ उस कॉर्नर पर बैंक है श्याम कहता है थैंक यू सोमी कहती है यू आर वेलकम ये आपका यहाँ पर चैप्टर एंड हो जाती है एक्सरसाइज चलिए इस पोयम को देख लेते हैं हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई लिटिल काइट छोटी पतंग ने कैसे उड़ना सीखा चलिए पोयम को पढ़ते हैं आई नेवर कैन डू इट मैं तो ये कभी नहीं कर सकता हूँ द लिटिल काइट सैड छोटी पतंग ने कहा एज ही लुक्ड एट द अदर As he looked at the others high over the head, जब उसने दूसरी पतंगों को सर के ऊपर उड़ते हुए देखा तो उसने क्या कहा मैं तो ये नहीं कर सकती हूँ मैं तो नहीं उड़ सकती हूँ I know I should fall, मैं जानती हूँ कि मैं गिर जाऊंगी If I try to fly, अगर मैंने उड़ने की कोशिश की Try, कोशिश करो said the big kite, बड़ी kite ने कहा बड़ी पतंग ने Only try, कोशिश तो करो और I fear you never will learn at all. नहीं तो मुझे लगता है कि तुम कभी नहीं उड़ना सीख पाओगी बट द लिटिल काइट सैड लेकिन छोटी पतंग ने आई एम अफ्रेड आई विल फॉल मुझे डर लगता है मैं गिर जाऊंगी द बिग काइट नोडेड बड़ी पतंग ने सर हिलाया ओह वाओ गुड बाय चलो ठीक है तो फिर मैं जा रही हूँ आई एम ऑफ मैं उड़ रही हूँ एंड ही रोज टूवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई और वो उड़ने लगी ट्रैंक्विल स्काई की तरह ट्रैंक्विल यानी क्या होता है नीचे देखिए वर्ड मीनिंग में यहाँ पर दिया हुआ है ये देखिए नोडेड यानी होता है शोक हेड सर को हिलाना ट्रैंक्विल यानी होता है काम यानी शांति से स्टेड यानी होता है मूव्ड साइट स्टेड यानी मूव्ड साइट यानी व्यू फ्लाइट यानी होता है फ्लाई इन द स्काई उड़ना व्हिर्लिंग व्हिर्लिंग यानी क्या होता है रोटेटिंग सॉरी व्हिर्लिंग रोटेटिंग या मूविंग फ्राइटेंड यानी होता है अफ्रेड डरा हुआ स्टीडली स्टीडली यानी स्लोली थ्रिल्ड यानी वेरी हैप्पी थ्रिलर सुना होगा आपने प्राइड यानी ऑनर सम्मान सेल्फ सेटिस्फेक्शन एंड सील्ड यानी मूव इन द एयर हवा में चलना चलिए और समझते हैं इसको दोबारा कहां थे हम ट्रैंक्विल स्काई एंड ही रोज टुवर्ड द ट्रैंक्विल स्काई वो क्या हुई ट्रैंक्विल स्काई की तरफ उड़ने लगी यानी काम शांत आसमान की तरफ वो उड़ने लगी Then the little kite's paper stared at the side. तभी छोटी पतंग का पेपर उसके साइड की तरफ से उसके दृश्य की तरफ से क्या हुआ Stared हुआ Stared यानी मूव हुआ साइड यानी व्यू साइड यानी उसकी तरफ से व्यू इसके व्यू की तरफ से stirred यानी हिलने लगा And trembling और trembling हिलने लगा He shook himself free for flight. उसने अपने आप को उड़ने के लिए हिलाया उड़ने के लिए हिलाया फ्लाइट के लिए फर्स्ट व्हिर्लिंग पहली बार में एंड फ्राइटेंड वो डर गई देन ब्रेवर ग्रोन फिर वो हिम्मत की उसने अप अप द रोज थ्रू द एयर अलोन और फिर वो हवा में उड़ने लगी टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी यहाँ तक के बड़ी पतंग उसे नीचे देख रही थी
द लिटिल वन राइजिंग स्टीडली, छोटी पतंग धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी. देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड, फिर धीरे धीरे छोटी पतंग थ्रिल्ड, उसे मजा आने लगा प्राइड के साथ. एज ही सेल्ड, जैसे वो उड़ने लगी विद द बिग काइट, बड़ी पतंग के साथ, साइड बाय साइड, आजू बाजू. व्हाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड, अब वो जमीन को बहुत दूर से देख सकती थी नीचे. एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग राउंड, और जो लड़के थे पतंग उड़ाने वाले वो छोटे छोटे नजर आ रहे थे. दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर, फिर उन्होंने हवा में ऊंची ऊंची जगह पर रेस्ट किया. एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर, सिर्फ वहां परिंदे थे और आसमान था. ओ हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितनी खुश हूँ, द लिटिल काइट क्राइड, छोटी पतंग चिल्लाई. एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, सिर्फ इसलिए कि मैंने कोशिश की और मैं ब्रेव हूं, मैं बहादुर हूं. कैथरीन पाइले इसकी पोएट है. चलिए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं. टाइम टू आंसर. आई नेवर कैन डू इट, सेड द लिटिल काइट, ने क्या कहा था, मैं नहीं कर सकती ये. बिग काइट रोज टूवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई, आसमान की तरफ, शांत आसमान की तरफ, काम आसमान की तरफ वो उड़ गई. फर्स्ट द लिटिल काइट वॉज, पहले लिटिल काइट क्या थी, डरी हुई थी, फ्राइटेंड थी, डरी हुई. चलिए आगे देखिए, राइमिंग वर्ड यहाँ पर ढूंढना है. फ्लाई का राइमिंग वर्ड है फ्लाई का, ट्राई, बाय, स्काई, ग्राउंड, राउंड, ऑल, फॉल, साइड, फ्लाइट, एंड क्राइड का होगा ट्राइड. चलिए यहाँ पर पोयम को अरेंज करना है, तो ये जो लाइन्स हैं आप पोयम में ढूंढकर इनको इस तरीके से नंबरिंग दे सकते हैं. ये थर्ड नंबर है इसका, ये इसका 5, 1, 4, 6 और 2 है. पोयम पढ़िए और इनकी नंबरिंग कीजिए. क्वेश्चन आंसर में देखिए, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम, पोयम की थीम क्या है. The theme of the poem is that a man can succeed only by courage. इस पोयम से हमें ये सीख मिलती है कि सिर्फ सक्सेड जो हो सकता है, कामयाब इंसान वो ही हो सकता है जो कोशिश करता है, जिसके अंदर हिम्मत होती है, जो ब्रेव होता है और जो ट्राई करता है, बार बार कोशिश करता है. Who was afraid of flying? कौन डर रहा था उड़ने से, लिटिल काइट, छोटी पतंग डर रही थी. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द लिटिल काइट सी हाई इन द एयर, ऊंची हवा में लिटिल काइट ने फिर क्या देखा. द लिटिल काइट सॉ एट द ग्राउंड बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग राउंड, उसे लड़के जो है आसमान से बिल्कुल छोटे छोटे नजर आ रहे थे, स्पॉट्स की तरह, छोटे छोटे धब्बों की तरह. इन स्काई देयर वर बर्ड्स एंड क्लाउड्स, और आसमान में सिर्फ बर्ड्स थे और क्लाउड्स थे. व्हाट डिड द लिटिल काइट क्राई, लिटिल काइट क्यों चिल्लाई. द लिटिल काइट क्राइड, क्या क्या चिल्लाई उसने, कैसे चिल्लाई. हा ओ हाउ हैप्पी आई एम, ओ मैं कितनी खुश हूं. वर्ड पावर में देखिए, व्हाइल राइट द वर्ड्स फ्रॉम द पोयम व्हिच डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द काइट, काइट के मूवमेंट को जो वर्ड डिस्क्राइब करते हैं उन वर्ड्स के बारे में बताइए. तो मूवमेंट के बारे में रोज है, ये राइज का सेकेंड फॉर्म है, शुक है, और हर्डलिंग है, एंड सेल्ड है. ये सारे वर्ड जो है उड़ने के लिए आसमान में इस्तेमाल होते हैं, मूवमेंट के लिए, चलने फिरने के लिए. तो ये आपका जो है यहाँ पर चैप्टर एंड होता है. ये सारी चीजें आप चाहें तो कर सकते हैं. चलिए इसके बाद हम ग्रामर देख लेते हैं. लव योर कंट्री ग्रामर देखते हैं. मैस्कुलाइन फेमिनाइन जैसा हमने पढ़ा था, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है मैस्कुलाइन फेमिनाइन से. द होस्ट एंड द होस्टेस वेलकम देयर गेस्ट, मेजबान और मेजबानी जो है उसकी फीमेल ने मेहमानों का स्वागत किया. माई अंकल एंड आंट लिव इन अमेरिका, मेरे अंकल और आंटी अमेरिका में रहते हैं. The king and the queen had two children. King और queen के दो बच्चे थे. A boy and a girl. एक लड़का और एक लड़की. The prince was six and the princess was two. जो prince था राजकुमार वो 6 साल का था और जो राजकुमारी थी princess वो 2 साल की थी. Ladies and gentlemen, welcome to our party this evening. इसके लिए आपने सुना होगा, कभी देखा होगा, जब किसी पार्टी में या मीटिंग में स्वागत करते हैं किसी का तो ladies and gentlemen कहते हैं. I have one horse, मेरे पास एक घोड़ा है, and two mare, और दो घोड़ी हैं. हॉर्स का अपोजिट होता है मेयर. चलिए अब यहाँ पर मैच करना है मैस्कुलाइन को फेमिनाइन से. किंग का क्या हो जाएगा, वन का डी यानी क्वीन, किंग का क्वीन, राजा रानी. हॉर्स मेयर, घोड़ा घोड़ी. पोएट पोएटेस, कवि कवियत्री. हस्बैंड वाइफ, शौहर बीवी. अंकल आंट. हीरो हीरोइन. डॉग का बिच, कुत्ता और कुतिया, बिच. कोल्ड, कोल्ड का क्या है, एट का ए, कोल्ड का फिली. बॉय का गर्ल, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर, प्रिंस प्रिंसेस, मैन वुमेन. ऑक्स का काऊ, और लॉयन का लॉयनेस, और सर का मैडम.
कि अपोजिट जेंडर है मैस्कुलाइन फेमिनाइन, याद रखिए ना, मैस्कुलाइन फेमिनाइन हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और उर्दू में कहते हैं मुजक्कर मुअन्नस, उर्दू अरबी में, और सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं नर और मादा। चलिए आगे देखते हैं, राइट द मैस्कुलाइन नाउन्स ऑफ द फेमिनाइन वंस गिवन बिलो। मैस्कुलाइन लिखना है फेमिनाइन के, लेडी का हो जाएगा जेंटलमैन, नीस का हो जाएगा नेफ्यू, विच का विजार्ड, और लेस का लैड, और डॉटर का सन, और डक का ड्रैक। चलिए और देखते हैं, विक्सन का फॉक्स, और टाइग्रेस का टाइगर, हैन कॉक, मैडम सर। चलिए फिर से देखते हैं, मैस्कुलाइन का फेमिनाइन बनाना है, हेडमास्टर का हेडमिस्ट्रेस, रैम का ईव, सर्वेंट, मेड, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, अंकल, एंट, विलेन, विलेनेस, बक, डो, कॉक, हैन। और इस तरीके से आप फिर से देखिए, मैस्कुलाइन का फेमिनाइन, वॉशर वुमेन का हो जाएगा वॉशरमैन, फेमिनाइन का मैस्कुलाइन बनाना है, उल्टा करना है, प्रिंसेस का प्रिंस, नीस का नेफ्यू, हेड गर्ल, हेड बॉय, विच, विजार्ड, लैंडलेडी, लैंडलॉर्ड, विक्सन, फॉक्स, मेयर, हॉर्स। ये ग्रामर भी यहाँ पर आपकी एंड होती है, तो इसको आप चैप्टर को अच्छी तरीके से तैयार कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन आपके बहुत काम आता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।